बोले श्रीमद भागवत क्या है? बोले कल्प वृक्ष। यानी कल्प वृक्ष क्या होता है? देखो ध्यान से, श्रीमद भागवत क्या है? बोले कल्प वृक्ष, अर्थात इसके नीचे किसी भी कामना से आकर के बैठो, कथा सुनो, वो कामना पूरी हो जाती है। ऐसा कहा है शास्त्रों में, श्रीमद भागवत कल्प वृक्ष। अपना हमारे आपके जीवन में यदि कोई अभाव भी है तो हम श्रीमद् भागवत की कथा उस अभाव के संकल्प से सुने तो श्रीमद् भागवत की कृपा से हमारे जीवन का वो अभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन भैया हम ब्रजवासी हैं ना, अगर हमसे पूछो कि श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष कैसे है तो बोले ब्रजवासी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत जो कल्प वृक्ष है ये वो कल्प वृक्ष नहीं देवताओं वाला के नीचे खड़े होके जो मांगा वो दे दिया। बोले मतलब? बोले स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है वो ऐसा कल्प वृक्ष है उसके नीचे खड़े होके जो मांगोगे वो देगा, उसके नीचे खड़े होके अमृत मांगोगे तो अमृत देगा, और कहीं उसके नीचे खड़े होके विष मांग लिया तो वो तो कल्प वृक्ष है वो विष भी दे देगा, उसके नीचे खड़े होके अगर अमृत मांगा तो अमृत दिया, विष मांगा तो विष दिया, उसके नीचे खड़े होकर के संसार मांगा तो संसार मिला और परलोक मांगा तो परलोक मिला। स्वर्ग का कल्प वृक्ष कभी भी ये विचार नहीं करेगा कि ये केदारनाथ जी के लिए कल्याणकारी है कि नहीं, उससे तो जहर मांगोगे तो जहर दे देगा वो तो, हाँ वो विचार नहीं करेगा, नुकसान करेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत कैसा कल्प वृक्ष है? बोले ये ऐसा कल्प वृक्ष है ये हमारी कामना पूरी तो करेगा लेकिन वही कामना पूरी करेगा जिसमें हमारा कल्याण होगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक, मैया रसोई में भोजन बना रही है चूल्हे पे, बच्चा घुटनों घुटनों खेल रहा है, बच्चे ने आग जलती देखी लपट उठती तो बच्चे को लगता है कोई खिलौना आए आग है ना, और बच्चा दौड़ करके आग को पकड़ने के लिए झपटता है तो मैया क्या करती है? चतुर मैया जैसी आग की तरफ झपटता है मैया टांग पकड़ के पीछे खींच लेती है, बच्चा गिर जाता है बहुत रोता है लेकिन मैया अग्नि के पास नहीं जाने देती, बच्चे को भले ही खिलौना नजर आ रहा है लेकिन मैया जानती है कि ये अग्नि इसको नुकसान पहुंचाएगी। ठीक ऐसे ही भागवत है, ये क्या है? बोले हमारी माँ है, मैया है। हमने अगर सद मांगा जिसमें हमारे जीवन का कल्याण है तो श्रीमद् भागवत दे देगी, और हमने अकल्याणकारी मांगा तो श्रीमद् भागवत उस अकल्याणकारी कामना को हमारे जीवन से निकाल करके समाप्त कर देगी और हमें राधा गोविंद के चरणों में बिठा देगी। श्रीमद् भागवत का लक्षण है, हम ब्रजवासी जन श्रीमद् भागवत को मैया कहते हैं, है ना, ये क्या है? हमारी माँ मैया। जैसे एक मैया अपने बच्चे का लालन पालन देखभाल करती है, ठीक ऐसे ही श्रीमद् भागवत हम आप जैसे वैष्णव साधकों का लालन पालन करती है, देखभाल करती है। श्रीमद् भागवत माँ की तरह से हमारी उंगली पकड़ करके, जैसे मैया सुबह सुबह बढ़िया नहा धोवा करके सुंदर वस्त्र पहना करके आंखों में काजल लगा के एक डिठौना बच्चे के माथे पर लगा करके उसे तैयार करके अपनी पति की गोदी में बैठा देती है कि तुम बैठ करके अब इसको खिलाओ, मैं रसोई का काम कर रही हूँ, ऐसे ही ये कथा मैया है। इसके पास जो आ जाता है ये उसे स्वच्छ निर्मल करके भगवान की कथाओं के वस्त्र पहना करके भगवान की लीलाओं के चरित्रों का श्रृंगार करके हम आप जैसे अधम सांसारिक जीवों को उठा करके गोविंद देव की गोदी में ले जा करके बैठा देती है।
ये श्रीमद भागवत है।